ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चले आज इस पावन सुंदर सुहावने समय पर प्रभु प्रेम के साथ उड़ चलते हैं अपने फरिश्ते चोले में, सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के बिल्कुल सम्मुख। वतन में बाप दादा हम बच्चों का आवाहन कर रहे हैं, स्नेह के सागर को अपने स्नेह में बांध लें, उन्हें बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराएं, जल अर्पण करें, रिटर्न में बाबा भी हमें अनहद प्यार से भोग और जल शेयर कर रहे हैं। बाप दादा आज विशेष हम बच्चों को, जो कि बाप को भी स्वयं भगवान को भी प्यार में बांध लेते हैं, उनको 26 मार्च 2021 के साकार महावाक्यों से फलीभूत कर रहे हैं। प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं 26 मार्च 2021 की प्रातः मुरली में, मीठे बच्चे सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? बाबा उत्तर देते हैं, जब योग बल से कर्मभोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा रोग है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। आज का गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य थे, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। देवी देवता थे तभी भी मनुष्य ही थे, परंतु हमारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, अर्थात परिवर्तन हुए हैं। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजनोवेट हो रहे हो, देवता बनने के प्रोसेस में है। कोई थोड़ा बदले है, कोई 5%, कोई 10%, सीरत बदलती जाती है। दुनिया को यह पता नहीं भारत ही हेवन था। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे, उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे, फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ
तो देह अभिमानी बन पड़े हैं। यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सत्युग में तुम आत्म अभिमानी थे, नशा है ना, हम अभी भी आत्म अभिमानी बन रहे हैं, तभी तो सत्युग में चलने के लायक बन रहे हैं। और जैसे ही देह अभिमान की बीमारी लगी, हमारा डाउनफॉल शुरू होता गया। तो बाबा कहते हैं, भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया है, अपने स्वधर्म को ही भूल गए हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म को भी भूल गए हैं। तो भारत वर्थ नॉट ए पेनी बनने का मूल कारण क्या है? देह अभिमान। यह भी तो ड्रामा में बना हुआ है। मनुष्य नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं, रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने, तो तुम्हारा यह हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट ए पैनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। आजकल समझदार है क्रिश्चियन लोग, है ना, क्रिश्चियन लोग तो बाबा कहते हैं ज़्यादा समझदार है, क्योंकि वो तो अभी भी ये कबूल करते हैं कि जब क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई उससे 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, माना अभी से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, मतलब बराबर चक्र का ज्ञान आ जाता है। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी यह समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं हैं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है, समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। बाप समझाते हैं, भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे, पतित पावन आओ आकर रामराज्य स्थापन करो। आत्मा को ज़रूर कभी बाप से सुख मिला है, तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं, हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं, वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। यह है सबसे पुराना रोग जिससे यह हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अतः खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है परवाथी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वह मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, बाकी क्या चाहिए। तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, माम एकम याद करो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है यह कोई बता ना सके। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं हैं। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है, परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। डबल अंडरलाइन, बाबा कहते हैं तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना देही अभिमानी रहेंगे, बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। यह बाप समझाते हैं, यह बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। बाबा से तो कुछ छिपा नहीं हुआ है, बाबा को तो वतन में हम सब बच्चों की टीवी दिखाई देती है, बच्चे कैसे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जानता है तो हमें भी सिखाता है, वंडर है ना। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी ना, अभी तो हम पूरा ज्ञान समझ गए हैं। तो हमेशा समझो, शिव बाबा कहते हैं कभी भी देह अभिमान न आए,
शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा के द्वारा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा को याद न करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है, तब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने के कारण फेल हो जाते हैं, वह खुशी व नशा नहीं रहता है, फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। बाबा शिव बाबा खुद ये बात कहते हैं कि शिव बाबा अभी दुनिया की नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, अर्थात ये गॉड की गवर्नमेंट है और धर्मराज इसका राइट हैंड है। उस समय हाँ बाबा न बच्चा बच्चे रूप में किसी को नहीं देखेगा, न कोई बात सुनेगा, न एक्सक्यूज़ करेगा। जज होता है उसको साक्षी होके केवल सज़ा सुनानी होती है, चाहे फिर वो कितना भी उसका प्यारा व्यक्ति हो। तो बाबा कहते हैं आत्माएं भले बाबा की कितनी भी प्यारी बच्चे बने हैं बाबा के, पर जब धर्मराज के रूप में होगा बाबा तब कुछ नहीं सुनेगा, सबको सजाएं खानी पड़ेगी। बुरे कर्म करते हो तो उनकी सज़ा खाते हो, बुरे कर्म खाएंगे तो सज़ा भी तो वैसे ही मिलेगी ना, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। तो बाबा कहते हैं यह सब बातें इस समय की है, सब गर्भ जेल में सजाए खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। महिमा तो एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं, इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कौड़ी, सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना न सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो, यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है, तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है, यह किसको पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया, उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है, ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है यह देह अभिमान। आत्मा का तो किसको पता नहीं है, आत्मा सु परमात्मा कह देते हैं तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं, इसलिए डाउनफॉल हुआ है। आत्मा को ही परमात्मा कह दिया तो ये तो सबसे बड़ा पाप हो गया, इसलिए डाउनफॉल हुआ। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, यह खेल बना हुआ है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है, यह नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नरक बन गई है। देह अभिमान बहुत है, बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर है, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ न कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले है। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह मुश्किल होती है, बहुत देह अभिमान में आते हैं।
पता नहीं पड़ता है हमको यह मत कौन देते हैं, श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी। शिव बाबा कहते हैं इनके बिगर श्रीमत कैसे दूंगा। स्थाई रथ हमारा यह है, देह अभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा, बहुत कम पद पाएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़ी अनपढ़े भरी ढोएंगे। जो बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, ज्ञान मार्ग में ऊंचा जाते हैं, उनके आगे वो बच्चे सेवा करेंगे, अर्थात कचरा उठाएंगे, साफ सफाई करेंगे, नौकर चाकर बनेंगे, जो कि कम पढ़ाई करते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा रैंक में आना चाहते हैं। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े, तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा न सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए। बाबा भी कहते हैं कि हम बच्चों के सिवाय कोई भी ये ज्ञान को समझा नहीं सकता है, परंतु स्थिति भी कैसी चाहिए, कब तीर लगेगा सामने वाली आत्मा को, जब ऐसी देही अभिमानी स्थिति होगी तब वही उच्च पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है, इनके अर्थात बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है। भल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो कितनी झंझट है, सब यज्ञ के बच्चों को भी ब्रह्मवत्सों को भी संभालो, ज्ञान मुरली भी, क्योंकि परमात्मा का अवतरण तो ब्रह्मा बाबा में ही होता था, तो कितना समय, उस समय तो साकार समय में बाबा रहते भी बहुत थे, तो सब कुछ करते हुए इतनी जिम्मेवारी संभालना कोई आसान काम थोड़ी है। बाप पर तो बहुत बोझा था ना, हेड तो यह है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे है। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल स्थिति में रहते हैं तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना, भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, यह किसको पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके, इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो तो स्कूल में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए, भारत हीरे जैसे था वह फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे। हम समझाते हैं, बाबा युक्ति बताते कैसे समझाना है, ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं, समझे समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल विज्ञान भवन है जो दिल्ली में है, वहाँ सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी किसको भेज दे, हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं, आपे ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है, समझो हमको कोई मिला प्रेजेंट अर्थात की भेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर भर के देना पड़े, मैं पक्का सराफ हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर कोई उल्टा सुलटा कार्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी सीरत अर्थात चलन सुधारते रहना है। दूसरी पॉइंट है बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है, अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। आज का मीठा वरदान है, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। विश्लेषण है,
जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना, यह सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। अच्छा, आज का हमारा स्वमान कचेरी ग्रुप में लिखने के लिए और होमवर्क करने के लिए, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, पहली पॉइंट, तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह तीन शब्द कहते हैं, इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं व तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है? विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सत्युग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो सतो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सत्युग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतोप्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सत्युग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सत्युग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमोप्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सत्युग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरी पॉइंट है, कलयुग असार संसार से सत्युगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में पांच भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं, तो दुनिया दो है, दुनियाएं भी दो है। बाबा कहते हैं, एक सत्युग की सार वाली दुनिया और दूसरी कलयुगी असार की दुनिया। दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चलते, है एक ही दुनिया पर ट्रांसफर होती है। पहले होती है सत्युग की सार वाली दुनिया, फिर वही जब सत्व प्रधान, रजो प्रधान और लास्ट में तमो प्रधान अवस्था से गुजरती है तो बन जाती है कलयुगी असार वाली दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। अभी परमात्मा वह सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अच्छे से मम्मा हमें
पालना दे रही है अभी भी, बाबा मम्मा भले ही अभी नहीं है, परंतु मुरली महावाक्य अभी भी उनके द्वारा पालना दिलवा रहे हैं, अर्थात कितनी बेहद सेवा करवा रहे हैं। तो ऐसे बाबा के लिए तो दिल से कोटि कोटि, मम्मा के लिए भी दिल से कोटि कोटि धन्यवाद निकले, शुक्रिया निकले, है ना। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। आज का हमारा सम्मान, मैं सफलता मूर्त हूँ, पुनः कह रहे हैं मैं सफलता मूर्त हूँ, ये आज का सम्मान है लिखने के लिए। और जो ब्रह्मा बाबा के 10 कदम पर हम चल रहे हैं, उसका 9वां कदम, ब्रह्मा बाप समान देह में रहते विदेही अर्थात अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो इसमें आज का हमारा 5th पॉइंट है, सब बातों में इजी रहो, इजी रहने से सब कार्य इजी होते जाएंगे और अशरीरी अवस्था का अनुभव भी इजी हो जाएगा। सिर्फ जिस संस्कार के कारण यह देह रूपी वस्त्र चिपका हुआ है, उस संस्कार से न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो विदेही अवस्था सहज हो जाएगी। बाबा कहते हैं हम बच्चों को जितना इजी रहेंगे, बिजी रहेंगे तो इजी ऑटोमेटिक हो जाएंगे, है ना, फ्री रहेंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकेगी, फिर किसी ने कुछ कहा तो उसमें बुद्धि बार बार जाएंगी। जितना सब बातों में इजी रहेंगे तो इजी होते जाएंगे, तो वह शरीरी अवस्था का भी अनुभव बढ़ता जाएगा। सिर्फ जो हमने वस्त्र जैसे चिपका होता है तो उसे निकालना कठिन होता है ना, तो देह रूपी वस्त्र जब चिपका हुआ है तो कोई ना कोई ऐसा संस्कार है जो कि हमें न्यारा नहीं बनने देता है, तो अभी उस संस्कार को निकाल दो तो विदेही अवस्था सहज हो जाएगी। तो कल हम विशेष ऐसे ही एक संस्कार को बाबा को भोग में गिफ्ट करेंगे। आज आप सभी के साथ लाइव भोग करना था, मेडिटेशन और लाइव भोग, परंतु टेक्निकल इश्यूज़ के कारण आज रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, लाइव नहीं हो रहा है, परंतु कल से हमारा डे 1 से ही स्टार्ट होगा। तो स्नान आदि करके फ्रेश होके जो भी आपके घर में है, आप भी साथ में भोग लगा सकते हैं, फ्रूट्स है या ड्राई फ्रूट्स है, यथाशक्ति जो भी हो, तो बाबा को भोग लगाने के लिए हम कल सुबह अमृत वेला मिलेंगे और उसके पश्चात मुरली भी सुनेंगे। सो हैव अ नाइस डे। आज का नया दिवस आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।